तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले दो वीडियोस में देखा, हम पहुंच गए थे नोएडा से मालदीव्स और उसके बाद आपको हमने अपना आइलैंड विला टूर कराया और फिर हम आ गए अमेजिंग सैंडबैंक में। अब हमारा स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस और वाटर विला टूर देखने के लिए चलते हैं आगे। आपने सैंड बैंक के ड्रोन फुटेज तो लास्ट व्लॉग में देख ही लिए थे। इसमें शुरू करेंगे कि सैंड बैंक में हमने क्या क्या किया। I'm like... वहाँ पता चिड़ियों ने बच्चा दिया है। तो कैसा फीलिंग है भाई, बता दो बस। फीलिंग एक्सप्रेस की जा रही है तुमसे। ऐसे यकीन नहीं हो रहा है, मतलब देखा है सबने, यूट्यूब पे देखा हुआ है बट कि कैसा पानी है। ओह गॉड, बट जब आप अपनी आंखों से देखते हो ना तो बात ही अलग है। जिंदगी में मैंने ऐसा पानी देखा है पहली बार, जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा पानी देखा है। बेबी बर्ड, बैग बैग यही, अच्छा वो पहन रहे हो। लड़कियों ने और कपड़े उतार लिए हैं। अब हम लोग स्नॉर्कलिंग की प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, यहीं कहीं आसपास ही होगी। यू वांट टू से एनीथिंग फॉर योर फैंस? आई डोंट हैव एनी फैन। नो कमेंट्स बोलिया करो ऐसे में। आने से पहले डिकैथलॉन से मैंने ये इटी बिट का जो 30 लीटर का वाटर प्रूफ बैग है ये ले लिया था, ये काफ़ी काम आ रहा है अभी, मतलब परफेक्टली वाटर प्रूफ है ये, कोई टेंशन नहीं है। अब हम लोग अपने बैग वगैरह सब यहाँ पर वापस से बोट में लोड करके जाएंगे स्नॉर्कलिंग की प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर एक्चुअल स्नॉर्कलिंग करने से पहले हम लोगों ने अपने रिसॉर्ट पर ही स्नॉर्कलिंग गियर्स लेके पूल में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हम सभी नॉन स्विमर्स थे तो सोचा कि पहले ही इक्विपमेंट से फैमिलियर हो लेते हैं जिससे कि एक्चुअल स्पॉट पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। All the way inside, then you have to keep your mouth like a snorkel safe, which means like a circle around. Okay. Every time you make like this, water will go inside, then you will have difficulty for breathing. Then when you keep it everything in the proper way, it will make it easier. Just lay down. Here you can stay. Just breathe normally. Just lay feel down. Confident in your life jacket. Yeah. Just be confident. Yeah, with a straight leg. See, you're floating. So which means even in the deep, 5 feet, 10 feet, no problem. We should know how to float. So that's how you don't get panic. If something happens with the mask, you just take your head up, take out the water. Yeah. Bye. So you don't have to be scared because the guide will stay close to you all the time. मैंने ट्रांसपेरेंट वाली फिश नहीं आती जो आजकल सब दिखाते हैं इंस्टा पे, मैंने वो फिश देखी इधर। अरे वाह, मेरे को ऐसा तो नहीं कुछ भी नहीं, तो तुम्हें लगा कि ट्रांसपेरेंट फिश है? आई स्वेयर यार, आईज वगैरह तो सब दिखती है ना, मजाक नहीं कर रही। किसी मछली की आंख तो नहीं तैर रही थी, तुम्हें लगा ट्रांसपेरेंट फिश है? व्हाटएवर वी वर डूइंग इन अ स्विमिंग पूल टिल नाउ, इट्स टाइम टू अप्लाई इट ऑन प्रोडक्शन। नाउ दिस इज द प्रोडक्शन।
point where we are going to snorkel. Look kind of dangerous. Especially for the non-swimmers like us. But we have our instructors. Maybe we will be able to. But we are a little bit scared now. फट रही है भाई, फट रही है। कैसा लग रहा है आपको, क्या आप कर पाएंगे? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, देखिए ना। इसीलिए मैं करना चाहूंगी। उन्होंने बोला अगर थोड़ा सा भी डर लगता है तो फिर वो ऊपर बुला लेंगे। कौन, भगवान? ये गई हमारी लारा क्रॉफ्ट। तो अब हम लोग अपने अमेजिंग स्नॉर्कलिंग के बाद, 6:30 बज चुका है और जैसा आपको पहले बताया था ऐसे यहाँ पर हम लोग का डिनर भी रहेगा। तो डिनर जो मिलता है वो यहाँ पर मिलता है 7 से 10। बहुत सुंदर सुंदर जगह है अभी तो। रिसॉर्ट आइलैंड जो है पूरा, वो अभी पूरा एक्सप्लोर भी नहीं किया हम लोगों ने, करेंगे धीरे धीरे। कल का दिन है अपने पास, परसों की भी तो सुबह है ही। और अभी अभी जैसा पहले बताया था कि 2 दिन का आइलैंड विला और 1 दिन का कोको रेजिडेंस था, वाटर विला जो है। तो अभी मेरे पास एक लेटर इनकी तरफ से आ चुका है कि 10:30 बजे, पहले मुझे लग रहा था कि चेक इन टाइम 12, चेकआउट टाइम 12 और चेक इन टाइम 2 है, तो हो सकता है 2 घंटे कहीं ऐसा ना होकर रिसेप्शन में बैठना पड़े। बट अभी जो है जो लेटर आया उसमें लिखा हुआ है कि 10:30 बजे हम लोगों को रूम छोड़ना है, 10:30 बजे का चेक इन, 10:30 बजे का चेकआउट है। तो अभी तक भी ये जो ट्रिप रहा है, जो स्टे रहा है, जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो किसी सपने से कम नहीं रहे हैं। और कल जो है वो चीज़ रहेगी जो जिसके लिए मॉलिव्स जो है फेमस है, वाटर विलास। और एक और चीज़, हम लोगों ने इतना फन किया कि हम लोग की टैनिंग ऐसी हो गई है, टैंड हो चुके हैं पूरे, फुली टैंड। और
सनसेट में तुमने टोपी लिया इसलिए या इसलिए सनसेट कलर लिया नहीं। खाते तो तुम कुछ हो नहीं। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट में ये डोसा है, ये चॉकलेट क्रोसेंस हैं, ये तो कोई टाइप की फिश है, ये पॉर्क बेकन सॉसेज, ये कोई डेनिश है कोई सा, स्ट्रॉबेरी डेनिश पता नहीं, पीच डेनिश, दिस इज बीफ सैंडविच, और ये है मिक्स फ्रूट जूस, सॉर्टेड पोटैटोज एंड टमाटोज विद strawberry curd and oats which is you know flavored oats with croissant didi vanilla muffin didi bilkul aisa lag raha hai jaise wo bahar wale foreigners nahi khate ekdam jara sa jitna breakfast karna chahiye to hum log ab yahan se apne island villa se check out kar rahe hain 10:45 ho raha hai ye hain samaan sara wahin chhod diya hai थोड़े बहुत बैग लेके छोटे वाले बैग्स जो हैं वो लेकर हम लोग जा रहे हैं रिसेप्शन, वहाँ से हम ट्रांसफ़र करेंगे कोको रेजिडेंस के लिए वाटर विदा अपग्रेड यस। हमारी जो विला है वो है 617। चलते हैं अभी अंदर। घुसते ही सबसे पहले ये पूरा शेल्फ है, के बाद ये लिविंग रूम है, ये शेल्फ है, इसमें टीवी है, बॉटल्स हैं पानी की, कप ग्लास, कॉफी मेकर, ये पूरा एरिया, ये क्या है, टेबल है क्या? yes, ये किसी तरह की तो टेबल है जो हम लोग एक्चुअली चार लोग इसमें भी रुकने वाले हैं, तो एक बेड ये है, यहाँ भी पूरा समंदर का व्यू है, फिर दूसरा बेड जो है वो ये है, चलते हैं दूसरे रूम की तरफ जो कि हमारा मेन बेडरूम है, वो ये है, एक सोफा यहाँ हो गया, ये बेड है और बेड से डायरेक्ट व्यू है हमारे आउटर डेक का, आउटर डेक में अभी चलेंगे, तो और आगे अगर बढ़ते हैं तो ये पूरा ये जो डोर है यहाँ से हम आ जाते हैं इस जगह पर, यहाँ पर शीशे वीशे हैं, कबर्ड्स हैं,
और आगे बढ़ने पर ये जो डोर है जब हम अंदर जाते हैं तो ये पूरा वॉशरूम एरिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर है ये टब जो कि डायरेक्टली फेस करता है हमारे आउटर डेक को। ये दो वॉश बेसिन्स हैं और ये जो डोर है ये टॉयलेट है। फिर ये है हमारा बाथरूम शावर एरिया। और अगर आगे बढ़ते हैं तो आखिरी चीज़ ये दरवाज़ा है, इसको अगर हम खोलते हैं तो ये हमारा ओपन शावर एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर ये शावर लगा हुआ है, ये एरिया कम्प्लीटली ओपन है, मतलब आप नहाते हुए समंदर का अगर व्यू चाहिए तो ये वो जगह है। अब चलते हैं मेन अट्रैक्शन की तरफ जो है हमारा आउटर डेक। तो यहाँ से बाहर निकलने की लिए चलते हैं। ये रहा हमारा प्राइवेट इन्फिनिटी पूल। उसके बाद ये हैं हमारे सनबेड्स। और अगर आपको अभी भी सनबेड कम लग रहे हों तो दो सनबेड हमारे पास ये और हैं अभी यहाँ पर। टेबल चेयर्स यहाँ पर हैं तो, और हमारे पास डेक है वो है ये भी हमारा प्राइवेट डेक है। हम चाहें तो गद्दा लगा के यहाँ भी बैठ सकते हैं। और अगर फिर हमें मन करता है कि समंदर का मज़ा लिया जाए तो यहाँ से भी नीचे जा सकते हैं। के बाहर का तो बहुत ही अमेजिंग है यार पूरा एरिया। 70-50 लाए हैं तब भी साला एक भी चीज़ काम नहीं कर रही यहाँ पर। ऐसा हो गया है अभी पूल में नहा के और समंदर में स्नॉर्कलिंग वगैरह करके कि ये सब पूरा जो एरिया है कंधे हाथ पूरा टैनिंग की वजह से दर्द हो रहा है, मतलब कोई टच करे तो दर्द होता है। लोगों की कोविड रिपोर्ट सारी आ गई हैं, चारों लोग नेगेटिव हैं। और एक चीज़ ऐसी जो मुझे अभी पता नहीं थी, अभी पता चली है कि जो इमोगा फॉर्म हम लोग भर के आए थे हेल्थ डिक्लेरेशन मालदीव का, तो वो हमें अभी डिपार्चर के लिए भी भरना होगा। तो वहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे थे, अराइवल एंड डिपार्चर। तो अराइवल वाला मैं फिल करके आया था बट मुझे नहीं पता था कि डिपार्चर का भी भर के जाना होगा। मुझे लगा कि बस हो गया यहाँ मालदीव का। बट अभी हम लोग जब रूम पर पहुँचेंगे तो दो काम इंपॉर्टेंट है, एयर सुविधा जो इंडिया का है वो फिल करना होगा और जो मालदीव डिपार्चर है वो फिल करना होगा। रील की तैयारी हो रही है यहाँ पर। वन टू थ्री फोर ऑल सेट टू गो फॉर आवर लास्ट डिनर एट खोखो बोडू हीटी। चलें, आखिरी डिनर है भाई 5-star में, तोड़ के खाना है। हाँ भाई,
आखिरी वीडियो में जो अगला वीडियो आएगा उसमें आप देखोगे। बट अभी के बता दो जो हम $3,000 का जो कार्ड लेके आए थे उसमें $962 जो है वो बच गए। तो लेट्स गो।